नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं जो यहाँ पर अभी जो है SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं और उनको यहाँ पर डेट पता है कि किस तारीख को परीक्षा होने है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि अभी आखिरी समय में यहाँ पर जो है SSC ने अपने जो है डेट में बदलाव किया है। तो उस डेट को जानते हैं और साथ ही साथ कुछ परीक्षाओं अन्य परीक्षाओं के बारे में भी यहाँ पर अपने नए एग्जाम कैलेंडर के द्वारा कमीशन ने बताया है, तो उन सारी चीजों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी बात यह कहनी है कि देखिए, यहां पर जो आप लोग की तैयारी चलाई जा रही है तो उसको जरूर जरूर इन क्लासेस को देखिए। और हाँ, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इन क्लासेस को देखते रहिए और साथ ही साथ ये न्यूज को भी ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों को ध्यान समझ के करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी चीजें निकल के आएंगी। तो देखिए, यहां पर आयोग ने जो है कमीशन ने 8 तारीख को यहां पर चीजें बताई जो अपने वेबसाइट पर डाली है। इसने ये कहा जो CHSL का परीक्षा यहां पर, जी हाँ दोस्तों, जो 1 से लेकर 12 तक होने वाला था उसने 12 जुलाई की डेट को यहां पर हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो 12 जुलाई की डेट थी उसने अपने रिवाइज जो यहां पर कैलेंडर आया है उसमें हटा दिया। तो यहां पर अभी यह समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है, लेकिन आयोग ने एक बात बहुत ही स्पष्ट कही है कि देखिए, जो भी कैंडिडेट हो परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप उसके बारे में जो है समय समय पर चीजें बताई जाएंगी। तो अब आप लोग का यहाँ पर जो पेपर होना वो 1 से 11 जुलाई के बीच में ही होना है, ठीक है, ये चीज जान लीजिए। और यहाँ पर एक एग्जाम डेट में यहाँ पर ये भी बदलाव किया गया है कि जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 का था, जो CBE था, इसको जो है 20, 21, 24, 25, 26 यानी कि क्या 5 डेट में कराई जाएंगी, जो पहले 24 से 26 के बीच में होने वाला था, ठीक है, जो पहले 24 से 26 जून के बीच में होने था, इसकी भी तारीख में यहां बदलाव किया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव जो है अभी आया है। CGL का डेट भी बहुत जल्द आने की उम्मीद है, लेकिन एक चीज ये भी कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है CGL में, तो इसलिए आप लोग मन से जुड़े रहिए और एकदम जो है तैयारी चालू रखिए। साथ ही साथ जो यहां पर SI जो दिल्ली पुलिस की और जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो होने वाली थी जो पेपर 1 की, वो सेम 27 से 29 जून के बीच में होगी, ये भी आयोग ने इसी कैलेंडर के जरिए चीजें स्पष्ट कर दी। तो यहां पर समय पर जो भी अपडेट होगा मैं लाता रहूंगा, ये नया अपडेट आया है तो आप लोग जान लीजिए। और यहां पर जो क्लासेस चलाई जा रही हैं आपके सभी विषयों की, उसे जरूर जरूर देखिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और इन तारीख को फिर से दिमाग में बैठा लीजिए। तो 12 तारीख का यहां बदलाव देखने को मिला है, बाकी चीजें आपके सामने है। तो फिर नए अपडेट के साथ मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।